बड़ी बड़ी नर्सरी है, मजा आ रहा है मतलब देख कर यार, जहाँ पीछे पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं, तोरी करेला ककड़ी खीरा अच्छा लोबिया फ्राक्चर भाई। यहाँ पे देखो बहुत सारी बड़ी नर्सरी। अभी हमने मंगाया भाई, कुछ टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है अभी, साढ़े चार के करीब हो रहे, साढ़े चार के करीब हो रहे। तो हमारा मन कर गया कि भाई कुछ खाया जाए, तभी हमने बर्गर किंग से मंगाया भाई कुछ वेज बर्गर और चिकन बर्गर मंगाया। टोटल चार बर्गर है, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि भाई मैं आई एम ऑन डाइट कर रहा हूँ, सो मैं नहीं खाऊंगा। देखते हैं डाइट कब तक चलती है, लेकिन अभी आने वाला है बंदा, सो देखते हैं। गाइस पता नहीं क्या सीन है कि डिलीवर ऑर्डर कह रहा है लेकिन स्टिल अभी तक पहुंचा नहीं है। अलग ही है भाई, अलग ही है, देख लीजिए बर्गर किंग से मंगाया है, भगवान जाने क्या सीन है। कहाँ पर आ गए हो? गेट के सामने खड़ा हूँ। ये पैसा जा रहा है भाई बर्गर किंग वालों को, जय हो बर्गर किंग। No contact delivery. YouTube channel. You tell me stories. You tuck me in. So good morning guys. अभी हमें सुबह के 8, रात को सोया मैं लेट भाई, रात को बज गए काफ़ी, बहुत लेट ही सोया मैं, एडिटिंग वगैरह अपनी करके प्लस में चीज़ें करके अपनी, और रात को लेट सोया हूँ अभी उठाऊँ आने के। चलिए भाई आज का जो सीन है आपके हम ये करने वाले हैं, आज मैंने सोचा था गार्डनिंग वगैरह करेंगे, गार्डनिंग स्टार्ट करेंगे घर के अंदर ही, हम लोग करेंगे भाई खेती को लेकर भाई उगाएंगे उसमें टमाटर हो गया, मिर्च हो गई, टमाटर मिर्च धनिया, क्योंकि बड़ा ही मनसा कर रहा है मेरा, क्योंकि भाई मैंने सोचा कि भाई घर के अंदर एक बार करके देखा जाए। तो आज हम भाई जाएंगे और गार्डनिंग का सामान लेकर आएंगे और घर पर फुल खेती स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी निकल गए हैं घर गार्डनिंग का सामान लेने के लिए, ठीक है अभी गार्डनिंग का सामान लेंगे उसके बाद चलते हैं, मज़ा आएगा लेकिन गार्डनिंग करने में भाई सच में। भाई गार्डनिंग का सामान ले रहे हैं, ठीक है वहाँ पे जाएंगे और बढ़िया बढ़िया सब्जियाँ उगाएंगे, जैसे कि हम क्या क्या उगाने वाले हैं हम भाई भिंडी और क्या क्या उगाएंगे, भिंडी हो गए, टमाटर हो गए और भी सब चीज़ें जो जल्दी से वो थोड़ा ग्रो कर जाती है ना, तो वहीं चलते हैं अभी और सीधा नर्सरी में जाएंगे, सेक्टर चार की नर्सरी है हमारी, तो वहीं से लेंगे भाई थोड़ी सा सामान। ये चीज़ है कि मतलब गार्डनिंग करनी हो ना उसके बाद सामान वगैरह बिल्कुल सस्ता मिल जाता है, 10-10 रुपये 20-20 रुपये में और मिट्टी वगैरह भी सब कुछ सही और किफ़ायती दाम में। क्यों मोहित? बिल्कुल सही बात है, तो ये ज़रूरी भी है घर पे पेड़ पौधे लगाना। एग्जैक्टली बीते दिनों जो है ऑक्सीजन की भारी कमी रही है, पेड़ लगाओगे तभी ऑक्सीजन मिलेगी, यानी जो बोओगे वही पाओगे, इसलिए भाई बहुत ज़रूरी है प्लांट लगाना। वहाँ चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से लेते हैं सामान, ठीक है। पूरा भाई रोड वोड सब खाली है, हल्के फुल्के जा रहे हैं सब चीज़ें, ये देखो हमारे यहाँ का सारा पूरा रोड खाली हो रखा है। तो गाइस पहुंच गए हम, काफ़ी दूर नहीं था, पास में ही था, अभी चलते हैं लेकर। तो चल तो ये प्लांट है हमारे पास, लेंगे प्लांट और मज़ा आने वाला, ठीक है। तो भाई मेरे पीछे जो नर्सरी है ना ये वाली, ठीक है यही नर्सरी से लेने वाले हम सामान सारा, बीज वगैरह जो भी होने वाला है पूरा। तो भाई बहुत बड़ी नर्सरी है, देखो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही बड़ी नर्सरी है, मज़ा आ रहा है मतलब देख कर यार, जहाँ पीछे पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं,
ये देख रहे हो पता नहीं कौन किस चीज़ के पेड़ पौधे हैं भाई, मुझे पता नहीं किस चीज़ के प्लांट हैं पता नहीं, लेकिन भाई बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, देखो बहुत ब्यूटीफुल है ना भाई। पता करते हैं, अभी वेट कर रहे हैं जो बंदा यहाँ का है जिससे मेरी बात हुई है, अभी वो आई नहीं है, तो अगर वो आते हैं तो उनसे मिलते हैं, उनसे फिर प्लांट लेंगे हम। ये तो कोकोपीट है। तो भाई अंकल जी हमारे जो यहाँ के पूरे मालिक हैं भाई, जहाँ पे पूरा सब कुछ देखते हैं, तो हाँ बताइए अंकल। ये कोकोपीट है ये। अच्छा ये वाला कोकोपीट है, इससे क्या होता है अंकल कोकोपीट से? ये बीज है ना जो सीड्स डालते हैं वो जल्दी उगता है। अच्छा जल्दी उग जाता है इससे, ये अगर डालेंगे तो जल्दी उगेगा सीड्स। ओके ये बायोग्रीन है। हाँ ये मतलब मिक्स करेंगे मिट्टी में तीनों चीज तो जल्दी उगेगा बीज इसके अंदर। अच्छा तीनों चीज अगर मिक्स करते हैं मिट्टी ये और ये? हाँ तीनों चीज, खाद मिट्टी खाद और कोकोपीट। अच्छा अगर मिक्स करेंगे तो ये सीडलिंग है ना जल्दी उगेगा, ग्रोथ जल्दी करेगा, जल्दी उग जाएगा फिर। ठीक है तो गाइस यहाँ पे हमने जो जो लिए है ना वो लिए हैं, देखो कुकुम्बर लिया यानी आपका खीरा लिया है, खीरे के बीज, और ये पालक है अंकल, ये पालक लिया है, पालक है। ठीक है आपकी मिर्च है, ये मिर्च है, ये आपका टमाटर है, टमाटर है। इस सीजन में भाई गर्मी के टाइम में यही चीजें नहीं, गर्मी में बहुत लगती है, लेकिन अभी आप लेट हो गए। अच्छा मैं लेट हो गया। और भिंडी है, तोरी, करेला, ककड़ी, खीरा, अच्छा लोबिया, फ्रांस बीन, सेब, ये सब उगती है, सब उगती है। लेट हो गए। अच्छा ये मतलब आप ये लगा लो फरवरी में ना, 10 फरवरी के बाद शुरू हो जाता है लगना। अच्छा तो अंकल जी कौन सा ऐसे प्लांट है जो मतलब जल्दी से ग्रो कर जाते हैं और जल्दी से मैं जो ये मूली वगैरह हो गए फल वगैरह आ जाते हैं? नहीं अभी करेंगे, अभी तो वैसे फिलहाल सीजन है पक्के प्लांट का। अच्छा मतलब इसमें लग जाए सब में एक महीना लग जाएगा कम से कम? हाँ एक आने में एक डेढ़ महीना लग जाता है इसको पूरा होने में। ठीक है ठीक है चलो ठीक है जी। और बोलो साथ यहाँ पे देख रहे हैं मिट्टी वगैरह, क्योंकि मिट्टी भाई हम पार्क से कहाँ निकालते रहेंगे, देख लेते हैं मिट्टी के गमले बनते हैं सर। तो गाइस यहाँ पे देखो कितना अच्छा एक मैसेज लिखा हुआ है, ये मैसेज हम बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं रहा है अभी तक, अभी भी पेड़ कट रहे हैं और कटते रहेंगे पता नहीं कब तक भाई। क्यों सही बात है तो अभी हम जा रहे हैं भाई घर वापस, अभी सामान वामान ले लिया हमने, खर्चा हो गया थोड़ा सा लेकिन कोई नहीं, तो अब जा रहे हैं हम घर, और घर जाके हम करेंगे भाई पूरा प्लांट प्लांट लगाएंगे। अभी तो कहीं टाइम लगेगा, उसे 12-13 घंटे बीच को मैं वो करके रखता भिगा के रखना पड़ता है, तो भिगाएंगे उसके बाद देखेंगे तो बताएंगे इस ब्लॉग में कैसे कैसे हम इसको ग्रो करते हैं। सो वैसे घर पर आ गए हम लोग, और मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ठीक है मज़ा है पता है, ये गार्डनिंग करने का शौक था शुरू से, तो शुरू से क्या था यार मतलब गार्डनिंग करने का मन था, तो भी सोचा कि मैं गार्डनिंग ही कर लिया लॉकडाउन में, तो गार्डनिंग करते हैं। और मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लिया है, आई होप बहुत एक्सपेक्टेशन तो मतलब अप क्या था एक्सपेक्टेशन मेरी अपर वाली है, और पता चला वाला सब सूखा का सूखा रह गया, तो देखते हैं ध्यान देंगे। यूट्यूब फॉलो करेंगे, जय यूट्यूब से देख के सब कुछ करेंगे। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, यह है टमाटो, ठीक है टमाटर के लिए, ये अपने भाई खीरे कुकुम्बर, ठीक है ये है मिर्ची 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 वही है, ठीक है ये है भाई पालक, मज़ा आने वाला है कसम से, उगाएंगे इसको ध्यान पहले भी खास मेरे जहाँ तक मैंने देखा यूट्यूब में जो इसके सीड्स होते हैं भाई इसको आपको गीला करके रखना पड़ता है, बस भिगा के रखना पड़ता है, तो वही भिगाऊंगा देखता हूँ यूट्यूब फॉलो करूँगा उसके हिसाब से बताऊँगा, धीरे धीरे आपको पता तो चली जाएगा ब्लॉग पे कि भाई कैसे कैसे मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है सो ब्लॉग में अभी जो ब्लॉग हुआ भाई थोड़ा बहुत छोटा हो सकता है, हो सकता है कि काफ़ी छोटा ब्लॉग हो, गर्मी हो यार ठीक है, तो हो सकता है कि ब्लॉग छोटा हो क्योंकि भाई घर के अंदर है हम लोग, तो आपको पता ही है भाई ज़्यादा लंबा ब्लॉग बन नहीं सकता। सो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही करिए, यहीं तक वीडियो आएगी ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये भाई चैनल पर रही हो तो भाई कहते हैं लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, सो चलते हैं।